हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ कि अपने यूट्यूब वीडियो के लिए कैसे आप कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, कैसे आप अपने वीडियो का मल्टीपल कीवर्ड पे रैंक करा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा कीवर्ड है, ये मैंने वीडियो को कल ही अपलोड किया था, अभी आप देखेंगे ये 21 घंटा हो रहा है, मल्टीपल कीवर्ड मेरी वीडियो क्या है वो रैंक है ना। तो मैंने सभी कीवर्ड को टारगेट करके रैंक कराया है ना। रैंक कराने के लिए बहुत सी चीज़ें मैंने की है, तो अभी मैं आपको सिर्फ आपको कीवर्ड के बारे में बताऊँ। यहाँ पर आप किसी भी कीवर्ड का रैंकिंग चेक कर सकते हैं और मल्टीपल कीवर्ड पे आप रैंक है। जैसे कि जो मेरा कीवर्ड है, सबसे पहले जो मेरा टारगेट कीवर्ड था, जो मेरा मेन टारगेट कीवर्ड था, वो हाई CPC कीवर्ड के बारे में था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे जो थंबनेल में लिखा है CPC $100 है ना, CPC $100 लिखा, तो ये मेरा टारगेट कीवर्ड था, क्योंकि मैंने वीडियो में क्या है हाई CPC कीवर्ड के बारे में बताया। तो यहाँ पर देखेंगे हाई CPC कीवर्ड जो तीसरे नंबर पर रैंक है, अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं हाई CPC कीवर्ड, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, टॉप में तीसरे नंबर पे ये वीडियो मिलेगी है ना। एक मेरी वीडियो और रैंक है और चौथे नंबर पे रैंक है ना। तो ये फर्स्ट मल्टीपल कीवर्ड पर रैंक, ऐसा नहीं है कि एक ही वीडियो एक ही कीवर्ड, जैसे हाई CPC एडसेंस हो गया है ना, तो यहाँ पर अगर कोई एडसेंस अगर कोई सर्च करता है तो यहाँ पर ये तीसरे या चौथे नंबर पर रैंक है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर रैंक है, आप देखेंगे चौथे नंबर। आप किसी भी कीवर्ड का आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, हाई CPC कंट्री हुआ है ना, तो कंट्री के ऊपर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ना, किसी भी कीवर्ड पे ये देखिए दूसरे नंबर पर रैंक है। तो जब भी कोई इससे रिलेटेड मल्टीपल कीवर्ड पे रैंक है ना, यहाँ पर हाई CPC कीवर्ड इन इंडिया है ना, हाईएस्ट पेइंग एडसेंस कीवर्ड, अगर आप यहाँ पर ये सर्च करते हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे मल्टीपल कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हाईएस्ट पेइंग एडसेंस कीवर्ड है ना, 1 2 3 4 5वें नंबर पे रैंक होगी कहीं कहीं, यहाँ ये देखो रैंक यहाँ। तो मल्टीपल कीवर्ड को अपनी वीडियो को आप टारगेट करके यूट्यूब के टॉप 10 मतलब वीडियो में अपनी वीडियो को आप टारगेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने इस पर कीवर्ड रिसर्च किया था, जो कि मैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग के बारे में वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको ये सब सीखना है कीवर्ड रिसर्च मार्केटिंग कैसे किया जाता है, अफिलिएट के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, यूट्यूब के लिए, टॉप लेवल के कीवर्ड को रिसर्च करने का मेथड मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको ये सब सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, abhishekkumargautam9616@gmail.com। और सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ना ही कोई मैं वीडियो देता हूँ अपने कोर्स में, और ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मैं अपने कोर्स में वीडियो में वीडियो वीडियो नहीं देता हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ है ना, लाइव प्रैक्टिकल हम लोग करके देखते हैं, समझते हैं उस चीज़ को, कैसे इन सारी वीडियो को रैंक होती हैं, कैसे आप अपने ब्लॉगिंग के लिए, अपनी ब्लॉग पोस्ट के लिए कैसे आप अपना रैंक करा सकते हैं नहीं गूगल में, तो ये सारा चीज़ मैं आपको डेटा आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में मतलब सीखते हैं कोर्स में। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो तो abhishekkumargautam9616@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड अगर आपको फीडबैक देखना है तो कीवर्ड रिसर्च कोर्स फीडबैक यहाँ पर प्लेलिस्ट में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको मिल जाएगा फीडबैक का वीडियो भी। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने आज का टॉपिक तरफ, कि जैसे कैसे कि हम अपने यूट्यूब वीडियो के लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने यूट्यूब को सर्च किया, और इस केस में मैं आपको यूज़ करने वाला हूँ कीवर्ड एवरीवेयर का, ये बहुत ही बेस्ट टूल है ना, आप इसे ब्लॉगिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों केस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आपको ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि एक्टिवेट हो जाए। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है वो कीवर्ड जिस टॉपिक पे आप अपनी वीडियो को बनाना चाहते हैं, ठीक है, जिस भी टॉपिक पे अपनी वीडियो को आप बनाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एंड्रॉयड गेम बहुत ही अच्छा कीवर्ड है जिससे आप काम कर सकते हैं, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपको, क्योंकि गेम में बहुत ही मिलियन का ट्रैफिक आता है, यहाँ पर देखिए 6 महीने मिलियन का ट्रैफिक, 5 लाख है ना मिलियन का ट्रैफिक, 4 लाख है ना, 4 लाख लगभग 67 है ना 55, यानी मिलियन में आपको ट्रैफिक मिलता है, और यहाँ पर देखेंगे 1,10,000 का सर्च वॉल्यूम है ना। अगर आपकी वीडियो यहाँ पर कहीं पर रैंक हो जाती है तो 1 लाख तो मिल ही जाएगा, अगर आपकी वीडियो अगर वायरल हो जाती है, जैसे यहाँ पर देखो 1 लाख का ट्रैफिक है ना। तो ये बंदे ने क्या किया, एंड्रॉयड वर्ल्ड वाला जो चैनल है, इसने क्या किया, टॉप 10 न्यू एंड्रॉयड गेम्स इन जुलाई, हाई ग्राफिक ऑनलाइन ऑफलाइन, इस बंदे ने सिर्फ 10 वीडियो के बारे 10 गेम के बारे में बताया। तो आप इस तरह के चैनल को बनाइए, अगर आपके पास चैनल है तो इस तरह के चैनल पे काम कीजिए, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3, टॉप 15, टॉप 16, इस तरह के कीवर्ड को फाइंड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जो सर्च किया है एंड्रॉयड गेम्स है ना,
अब यहाँ पर आपको सबसे पहले वो कीवर्ड लिखना है कि जिससे रिलेटेड आपका टॉपिक होना चाहिए। जैसे कि मेरा एंड्रॉयड गेम के बारे में बताने वाला, तो जैसे ही आप एंड्रॉयड लिखेंगे उसके बाद जो भी वर्ड लिखेंगे, जैसे गेम्स हुआ, ऑफलाइन गेम हुआ, गेम कार हुआ, है ना, तो जब लिखेंगे आपको क्या है ना, स्टार लगा देना है, सबसे लास्ट में स्टार लगाना है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, यूट्यूब एल्गोरिथम वाला है ना। यहाँ पर जब आप स्टार लगाएंगे तो वो क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा कि गेम के बाद जो भी वर्ड लिखा गया है, गेम के बाद यानी ई के बाद जो भी वर्ड लगाया गया है, यहाँ पर वो सारे वर्ड आ जाएंगे जो सर्च किए जा रहे हैं यूट्यूब के, है ना, यूट्यूब सर्च में। उसके बाद आप क्या करना है, इसी कीवर्ड के आगे आपको लगाना है वो स्टार, और इसके बीच में जो कीवर्ड को मैंने, मुझे नहीं पता कि इसके बीच में कौन सा कीवर्ड को लोग सर्च कर रहे हैं, तो ये क्या करें, जैसे मैं इसको स्टार लगाऊंगा तो यहाँ पर वो हाईलाइट कर देगा एंड्रॉयड और गेम के बीच में कौन सा कीवर्ड ऐसे हैं जो यूट्यूब में सर्च किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे वो सर्च है, एंड्रॉयड बेस्ट गेम, एंड्रॉयड स्टूडियो गेम्स, एंड्रॉयड टॉप गेम ड्राइवर प्रेफरेंस, है ना, एंड्रॉयड टॉप गेम्स, एंड्रॉयड बेस्ट गेम 2020, ये सब के सब कीवर्ड क्या है, सर्च किया है, और इनका सीपीसी भी कमाल का हुआ है। जैसे कि एंड्रॉयड बेस्ट गेम हो गया, इसका मैं आपको एल्गोरिथम लगभग देखेंगे 35,500 का इसका सर्च वाले में, और पहला जो हमारा कीवर्ड था आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे 2.66 के डॉलर का सीपीसी, यानी लगभग $2.50 का सीपीसी है, और कंपटीशन भी कम है, 0.05 है, और इसका सर्च वाले बेशक कम है पर आपको जो उसका मिलेगा सीपीसी बहुत ही कमाल का मिलेगा, है ना। आप देखेंगे 2 मिलियन का ट्रैफिक है, 2 मिलियन का व्यूज है, 1 मिलियन, 1.1 मिलियन का है ना, 67 के व्यूज है। इससे पहले जो हमने देखा था इसका जो कंपटीशन था दोस्तों, आप देखेंगे इसका हाई था 0.08 का था, उसका सीपीसी भी कम था, और जो हमने अभी देखा उसका देखेंगे आप, अभी का जो हमने देखा कि $2.50 का सीपीसी है इसमें। अब मैं आपको बताता हूँ इस कीवर्ड को मॉडिफाई करने का तरीका, है ना। अब आपको क्या करना है कि वही स्टार को क्या करना है, आपको पहले लगा देना है यहाँ पर, है ना, तो एंड्रॉयड के पहले जो भी कीवर्ड लिखा गया ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा तुरंत, यहाँ पर जो भी लिखा गया है, जो भी हाई सर्च वाले कीवर्ड वाले होते हैं वो क्या करता है, हाईलाइट कर देता है। अभी WWE एंड्रॉयड बेस्ट गेम, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पर सर्च वाले, है ना, तो इससे पहले जो आप देखा यहाँ पर WWE, तो इस पर कोई सर्च वाले नहीं है क्योंकि WWE वाला गेम कोई है ही नहीं, है ना, अगर होगा तो वो हाईलाइट नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पर फिर से आप लगाएंगे स्टार, तो यहाँ पर लिखेंगे पोकेमैन एंड्रॉयड बेस्ट गेम, एंड्रॉयड बेस्ट गेम पोकेमैन एंड्रॉयड बेस्ट गेम, ये कह रहा है लॉन्ग टेल कीवर्ड को आपको फाइंड करना है जो कि अपने टाइटल में लिखना है। इस कीवर्ड को कहने का मतलब है जब भी आप अपने टाइटल में लिखेंगे तो ये आपका कीवर्ड रैंक करें, क्योंकि इस पे क्या है कि 0-0 आ रहा है ना, 0-0 आ रहा है, 0-0 इस पे क्यों आ रहा है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर हाउ टू ऐड टैग टू योर यूट्यूब वीडियो, ठीक है, इस पे आप देखेंगे 90 का सर्च वाले में मंथली का, ठीक है, इस पे क्या है 90 का मंथली सर्च वाले में, माय डियर फ्रेंड्स अभी आप मेरी बात को समझने की कोशिश किया, इस पे क्या है कि 90 का सर्च वॉल्यूम है, और आप देखेंगे ये कीवर्ड को कहाँ पर ऐड किया गया है, यहाँ पर इस वाले वीडियो पे, हाउ टू ऐड टैग्स टू योर यूट्यूब वीडियो, तो यहाँ पर क्या 78K का सर्च वॉल्यूम है, और सेम मैं आपको बता दूँ कि अपनी वीडियो में टैग्स कैसे लगाएं, मैं आपको हिंदी में लिखता हूँ, यहाँ पर देखेंगे 0-0 हो जाएगा सब, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, ये भी 0, है ना, तो देखेंगे उस वीडियो पर कितना ट्रैफिक है, अपनी वीडियो में टैग्स, अपनी वीडियो में अपनी यूट्यूब वीडियो में टैग्स कैसे लगाएं, यहाँ पर आप देखेंगे अब 0-0 भी हो जाएगा, ये रहा 0-0, ये रहा 0-0, और ये रहा 0-0। अब यहाँ पर देखेंगे मनोज जे का जो है यहाँ पर यूट्यूब वीडियो पर टैग्स लगाने का सही तरीका वीडियो पर, अब इस पे क्या कि बंदे ने कीवर्ड को क्या टारगेट किया है, टैग वाला, है ना, यूट्यूब टैग को टारगेट किया है, और जो लिखने का तरीका है टाइटल का YouTube वीडियो पर टैग्स लगाने का सही तरीका है ना, तो YouTube क्या है वीडियो टैग्स लगाने का सही यहाँ पर है ना, हाउ टू ऐड YouTube वीडियो, तो सेम तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, है ना, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था वो वाला एग्जाम्पल एंड्रॉयड वाला, है ना, एंड्रॉयड बस, यहाँ पर देखेंगे ये सब 0-0 है, वॉल्यूम भी 0 है, सीपीसी भी 0 है, और कंपटीशन भी 0 है, पर इसका टारगेट कीवर्ड क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि टारगेट कीवर्ड को कैसे हम फाइंड करते हैं दोस्त, है ना, तो अगर मैं बात करूँ टारगेट कीवर्ड की, तो यहाँ पर के हाउ टू टैग यूट्यूब, है ना, टैग वाला, है ना, यहाँ पर देखेंगे टैग, तो जो इसका टारगेट कीवर्ड था वो, दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस,
तो ये क्या है कि यहाँ पर जो टारगेट कीवर्ड है इनका वो टैग्स है ना। टैग्स से पे क्या है, टैग वाले कीवर्ड पे सर्च वैल्यू है। अभी मैं अगर यहाँ पर सर्च करता हूँ जैसे, और यहाँ पर देखिए ये टैग जो लिखा है इस पे सर्च वैल्यू है, पर इस पे सर्च वैल्यू आप देखेंगे कोई भी सर्च वैल्यू नहीं है। ये टाइटल लिखने का तरीका होगा, जो मेन कीवर्ड वो अपना टैग होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अगर टैग लिखता हूँ तो आप देखेंगे इस पे काफी सर्च वैल्यू होगा, इस पे देखेंगे सर्च वॉल्यूम होगा है ना। यह देखिए 2,84,000 का सर्च वॉल्यूम, जो कि इसको ट्रैफिक जो मिला है 3,36,000 का मिला है। इस पे सर्च वॉल्यूम कितना था, 2 लाख। इस पे देखेंगे 0.44 का, यानी 44 डॉलर का सीपीसी है, कंपटीशन 0.06 का है ना। तो जो कीवर्ड इनका था वो था टैग्स है ना। अब टाइटल में इन्होंने क्या लिखा है आप देखेंगे, टाइटल में लिखा यूट्यूब वीडियो पर टैग लगाने का सही तरीका है ना। तो वही चीज़ें मैं आपको वो वाला बता रहा था, एंड्रॉयड वाला। जैसे एंड्रॉयड को हुआ सॉरी, एंड्रॉयड बेस्ट गेम। अभी क्या कि एंड्रॉयड बेस्ट गेम पे क्या है, 34K का मतलब 3,400 का क्या है सर्च वैल्यू में। तो ये क्या है अपना, ये अपना है मेन कीवर्ड जिस पे हमारा सर्च वैल्यू है। और यहीं पर अगर मैं स्टार लगा देता हूँ है ना, तो यहाँ पर क्या कि पोकेमोन एंड्रॉयड बेस्ट गेम है ना, एंड्रॉयड बेस्ट गेम, एंड्रॉयड बेस्ट गेम 2020 है ना। अभी मैं पोकेमैन वाला, यहाँ पर देखेंगे 0-0। तो यानी ये क्या है, ये हम टाइटल में लिख सकते हैं है ना। 0-0 वाला जो कीवर्ड है वो टाइटल में लिखिए, जो मेन कीवर्ड है वो हमारा टाइटल के अंदर आना चाहिए। यानी जैसे ये वाली वीडियो हुई, टैग वाला क्या है सर्च वॉल्यूम है ना। तो टैग को इन्होंने यहाँ टारगेट क्या किया है, टैग को ये टारगेट किया है ना। और इसने लिखा क्या, यूट्यूब पर, यूट्यूब वीडियो पर टैग लगाने का सही तरीका। यानी जो कीवर्ड है इनका टैग है, सिर्फ मेन कीवर्ड टैग को टारगेट किया गया, वीडियो टैग्स का है ना। तो सेम आपको कीवर्ड को जो टारगेट करना अपनी इस वीडियो के लिए, जैसे कि एंड्रॉयड गेम के लिए आपको क्या टारगेट करना, एंड्रॉयड बेस्ट गेम है ना। 2020 को आपको टारगेट नहीं करना है। तो जो आपका टारगेट कीवर्ड रहेगा वो एंड्रॉयड बेस्ट गेम रहेगा है ना। जब इस तरह के कीवर्ड को आप अपने वीडियो में टाइटल में ऐड करेंगे तो आपकी जाइस वाले वीडियो रैंक होगी और अच्छा खासा आपको व्यूज मिलेगा और सीपीसी भी मिलेगा, जो कि आज का जो सीपीसी आप देखेंगे $2.5 का सीपीसी है ना। यहाँ पर देखेंगे $2.5 का सीपीसी है और 2 लाख लगभग 34K का इसका सर्च वॉल्यूम वाला है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है आपको समझने के लिए, क्योंकि आप पहली फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको शायद ना समझ में आए, पर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आप अपनी वीडियो को टारगेट कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरी तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कैसे अपनी वीडियो के लिए टाइटल टैग्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और अगर कीवर्ड एंड मार्केटिंग आपको सीखना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, अभिषेक कुमार गौतम 9616@gmail.com पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।